नमस्कार दोस्तों, मेरे पास इस तरह पुराना फ्रॉक था, मैंने इसका प्लाजो बनाया है और मैं इसकी कटिंग और सिलाई दोनों बता रही हूँ। मेरे पास इस तरह का पुराना फ्रॉक है, इसका मैं प्लाजो बनाऊंगी। देखिए इस तरह से है, यहाँ से मैं इसको खोल दूंगी। पहले अभी खोल के दिखा रही हूँ, इसका मैं ऊपर का खोल रही हूँ, देखिए। और इसको भी मैं इसको सब निकाल दूंगी, इसमें से खुल गया है मेरा। इसको मुझे लगाना है अस्तर की तरह और इसका घेरा बनाना है इसका प्लाजो पर। इसको बनाऊंगी आगे आए और इसको बनाऊंगी ताकि पीछे जॉइंट करके। दो तरह का है, देखिए ये पीछे का है तो इस तरह है, ये आगे का है तो इस तरह है। इसको देखिए, मुझे सिलाई पे सिलाई ही रखनी है इस तरह से। और इसको मैं डबल फोल्ड करके, देखिए अब इसको मैं इस तरह से फिर फोल्ड कर दूंगी, यहाँ सिलाई सिलाई ही रहेगा। यहाँ पर मैं इसको बराबर कर ले रही हूँ। यहाँ से 11 इंच पे आसन के लिए कटिंग कर दे रही हूँ। ये अस्तर कट गया है दोनों पैर का। मैं इसका नेट काटूंगी। नेट को मैं 4 भाग कर दूंगी, पहले आगे का 2 भाग, पीछे का 2 भाग, उसके बाद ज्वाइंट करूंगी इसको। यहाँ पर मैं अस्तर रख दी हूँ उसके ऊपर। मुझे इधर नहीं काटना, इधर का मैं सब ऐसे क्यूनेट लगा दूंगी यहाँ पे कमर में। यहाँ पर मुझे दोनों पैर में आगे रखने के लिए जॉइंट लगाना पड़ेगा।
लास्टिक लगाने के लिए मुझे इसका ऊपर का यूज करना पड़ेगा। यहाँ यहाँ से मैं काट लूँगी लास्टिक के लिए। अब जब सिलूंगी तब काटूंगी।